केदारनाथ जाने का तो सोच लिया, लेकिन महादेव के दर्शन इतने आसानी से नहीं मिलते हैं यार। हरिद्वार और दिल्ली की ट्रेन की टिकट्स ही अवेलेबल नहीं थी, फिर सोचा रूट चेंज करते हैं। और जयपुर की टिकट्स अवेलेबल थी तो मैंने बोला चलो अभी जयपुर चल लेते हैं, वहाँ से आगे का रास्ता देख लिया जाएगा। जयपुर से दिल्ली चले जाएंगे और दिल्ली में थोड़ी सी सरोजनी नगर के मार्केट को शॉपिंग हो जाए और लाल किला। तो ये ब्लॉग में आपको यही देखने के लिए मिलेगा मेरी दिल्ली तक की जर्नी, तो लेट्स गो। मस्ती है मस्तानों की दिल्ली, दिल्ली काली है दीवानों की दिल्ली, सिक्स मस्ती है मस्तानों की दिल्ली, दिल्ली काली है दीवानों की दिल्ली, सिक्स इमेजिनी खालों पे जस्ट की तुस्ता महज पांच बात पाने तरह से एटमॉस्फेयर टैलेंट स्पीड कट स्पीड तो अतुरी कट किसका स्पीड नगर मार्केट पहुँच गए। यहाँ पे यार मेट्रो का बहुत ही ज़्यादा सीन है, लाइक आपको सरोजनी नगर मार्केट आना है तो आपको पिंक लाइन में आना पड़ेगा। मैं ब्लू लाइन में थी आर के आश्रम स्टेशन पर, और आर के आश्रम से मैं राजीव चौक गई, और राजीव चौक से फिर मैंने INA के लिए मेट्रो बदली, और मेट्रो फाइनली फिर INA से सरोजनी नगर मार्केट में पहुँच गई हूँ। अभी यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा है इसलिए पहले पहन लेती हूँ, और मिलते हैं अभी सरोजनी। सरोजनी नगर मार्केट का गेट है और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हमारी शॉपिंग। यार जब मैं मुंबई में थी ना तो मैं हमेशा सोचती थी कि यार मैं कब जाऊँगी सरोजनी नगर मार्केट, और फाइनली मैं आज यहाँ पे। छोटा सा ब्रेक तो बनता है, और मैंगो के सीजन में मैंगो जी आप लोग तो पी सकते हैं। सरोजनी नगर में आपको बहुत सारे वैरायटीज़ मिलेंगे वेस्टर्न वेयर के, इंडियन वेयर के, और यहाँ पे शूज़ वगैरह है, और बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज़ देखने मिलेंगे। सारे डिफरेंट काइंड ऑफ के आपको घर के सामान मिल जाएंगे, डेकोरेशन के सामान मिल जाएंगे, क्लोथ्स मिल जाएंगे, और मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है। ये है आखिरी शॉप, यहाँ से भी मैंने एक दो टी शर्ट खरीदे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन। दिल्ली आए और लाल किला नहीं देखा तो क्या देखा। सरोजनी नगर जाने के बाद में हम चांदनी चौक की गलियों में घूम रहे थे, वहाँ पे कुछ खाया, और खाने के बाद में हम गेट नंबर 2 पे थे, जहाँ से पता चलता है कि वो एग्जिट पॉइंट है। एंट्री पॉइंट गेट नंबर 1 पे आपको मिलेगा, और 5 बजे के बाद में आपको म्यूज़ियम की टिकट नहीं मिलेगी यहाँ के, तो ट्राई कीजिए कि 5 बजे के पहले आने के लिए। तो अभी देखते हैं कि लाल किला यहाँ से एंट्रेंस है। दिल्ली वैसे तो इंडिया का कैपिटल है, लेकिन यहाँ की वाइब ही कुछ अलग है। आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे चीज़ें चल तो रही है बट थोड़े से स्लो मोशन में, कि मतलब यहाँ का लोग है ना थोड़ा सा अलग है यार। मतलब अब
ऐसा भाग दौड़ नहीं मिलता, जैसे कि आप मुंबई में चले जाओ वहाँ के लोग कैसे आपको बस भागते दौड़ते हुए मिलेंगे, बिकॉज मुंबई का तो लाइफ स्टाइल ही वैसा है। बट यहाँ पे ऐसे चीज़ चलती है, बट थोड़े से स्लो मोशन कर दिया है जैसे किसी ने यहाँ की लाइफ को। और यहाँ की जो फूड है, दिल्ली का फूड मीन्स, मैंने पूरा नॉर्थ साइड घूमा लाइक उत्तराखंड एंड ऑल, बट दिल्ली जैसा फूड कहीं भी नहीं था। एक्चुअली यहाँ का बटर चिकन मुझे अभी भी याद है टेस्ट। आपको किले के अंदर आने के लिए 50 rupees पे करने पड़ेंगे पर पर्सन। और किले के अंदर आने के बाद में एकदम ही अनएक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे शॉपिंग सेंटर है जहाँ पे आपको ओल्ड टाइप की थोड़ी चीज़ें दिखेंगी, पुराने टाइप के पर्स और उनके जो थोड़े से डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह रहते हैं वो सब देख लीजिए, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और अंदर आने के बाद में एक बहुत बड़ा गार्डन जैसा एरिया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ह्यूज स्पेस है। और यहाँ से अंदर तक अभी मैं गई नहीं हूँ, साथ में चलते हैं। तो ये किला मुगल साम्राज्य के सम्राट शाहजहाँ ने बनाया था 1648 में, और 1638 में ये बनाने के लिए लिया था, जिसको बनाने के पूरे 10 साल लगे। और जब वो आगरा से दिल्ली शिफ्ट हुए उनके लिए फिर रहने के लिए तो जगह चाहिए थी ना, इसलिए उन्होंने ये वाली प्लेस बनाई। प्लेस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मीन्स आपको यहाँ पे आना चाहिए, बहुत ज़्यादा ओपन स्पेस है, एकदम खुली हवा, और मीन्स बहुत फ्रेश लग रहा है यहाँ पे आने। का ब्लॉग खत्म होता है यहाँ पे, और अभी तक आपने वीडियो देखी है मतलब आपको वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय।